हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का द बायो एंड सिविल जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा, किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप सभी लोगों का रिविजन का कार्य भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जिन लोगों का EMRS का एग्जाम है उन सभी लोगों का रिवीजन का कार्य बेहतरीन तरीके से हो गया होगा, और जिन लोगों का बिहार PGT का एग्जाम था वो सभी लोग अपने एग्जाम से फारिग हो चुके होंगे और अब उनके अंदर एक कसमोकस चल रही होगी कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस आधार पर जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आया था, अगर आप लोगों ने प्रश्न को देखा तो अच्छी बात है, और नहीं देखा तो अभी हम सभी लोग 8 बजे उस जूलॉजी के सेक्शन के प्रश्न को देखेंगे कि बिहार के एग्जामिनेशन में जूलॉजी में कैसे प्रश्न आए थे। एक सरसरी नजर देखने पर यह पता चला कि अगर आपसे अभी फिर हम 8 बजे पूछेंगे कि क्या ये क्वेश्चन आपको कराया गया है, तो उम्मीद करते हैं आप में से 99% लोग यही बताएंगे कि सर ये प्रश्न हमने किया है, या तो सियोर टेस्ट सीरीज में, या तो मॉक टेस्ट में, या तो यूट्यूब के रिवीजन में। इधर बीच जो हम लोगों ने रिवीजन किया है उस रिवीजन के कार्य में हम सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से जो प्रैक्टिस की है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ लोग एग्जाम देकर भी आए होंगे और अपने पेपर के बारे में सोच रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम हो गया, जैसा भी होना था उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हुआ होगा। अगर आप लोग 80 क्वेश्चन में 60+ क्वेश्चन को हैंडल कर लिए हैं तो इसका मतलब आपने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी हम सभी लोग बात करेंगे EMRS के एग्जामिनेशन के बारे में, जिसकी आप सभी लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है। उसके लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर आज फिर हम लोग 60 प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आज प्रश्न आप तक पहुंचेंगे तो वो प्रश्न आपको याद दिलाएंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ था क्या, ये क्वेश्चन आज आया हुआ था क्या। इस तरह से अभी आपके सामने ये सारी बातें आने वाली हैं। एक बार आपसे मुखातिब होते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। जी ऑनलाइन हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएं सर? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन हुआ है क्वेश्चन पेपर, जो है अभी 8 बजे आप सभी लोगों के सामने आएगा। आप सभी लोग उस पेपर को देखेंगे और देखने के बाद मुझे बताएंगे कि ये प्रैक्टिस सेशन में हुआ है कि नहीं। सुरभि जी, मधुवाला जी, रीना सिंह जी, कहकशा खान जी, खुशबू ओमर जी, ऋचा सक्सेना जी, सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। साक्षी भारती जी, मोहम्मद शमीम जी, संगीता सिंह जी, राजेंद्र कुमार भारतिया जी, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। उपासना चौहान जी, सुमित्रा मुर्मू जी, सभी लोगों को जी नमस्ते, खुश रहिए। नेहा सिंह जी, जितेंद्र कुमार सिंह जी, नेहा शर्मा जी, कुमारी खुशबू जी, इसमें से लगता है कि ज्यादातर लोग एग्जाम देने नहीं गए थे, और जो है एग्जाम देने गए होते तो ये आइडिया होता। आज हम सभी लोग सुपर फास्ट रिवीजन में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है मैच द फॉलोइंग का, आप सभी लोग इस प्रश्न को देखें और इसका आंसर करने की कोशिश करें, और उम्मीद करते हैं कि आप में से सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से आंसर आएगा। जी बताने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से आंसर आएगा। रीना सिंह जी, डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम का एक आज के एग्जाम के बाद कुछ फोन कॉल थे जिसमें जो है ये बात पता चली कि एग्जामिनेशन का प्रेशर एक अजीब प्रेशर होता है। एग्जाम का प्रेशर जो होता है वो एक अलग प्रेशर क्रिएट करता है, और ये जो प्रेशर क्रिएट करता है ये प्रेशर आपसे आते हुए कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा एंजाइम है जो 1.6 pH पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एक क्वेश्चन था कि प्रोटीन का डाइजेशन 1.6 pH पर कौन सा एंजाइम करता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, देखिए
और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का डायरेक्ट आंसर आएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि कौन सा एंजाइम है जो पीएच 1.6 पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कौन सा एंजाइम है जो 1.6 पीएच पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। देखिए कितना आसान सा, और हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि ने आसानी से आंसर कर सकते हैं। जी उसका सही और सटीक आंसर यही था, पेप्सिन था। उसका सही और सटीक आंसर यही था, पेप्सिन था जो उसका सही और सटीक आंसर था। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इतना जानने में सक्षम हैं। जी एक क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। अब ये बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं किए हैं आप, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर बाय, लीवर में यूरिया की सिंथेसिस बाय किसके द्वारा होती है, पूछा था कौन सी साइकिल के द्वारा होती है। ऑप्शन में था ऑर्निथिन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द। तो ये क्वेश्चन का आपके पास नजारा भेज रहे हैं और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आपके ग्रिप में हैं, दोनों प्रश्न आपके ग्रिप में हैं। जी एक क्वेश्चन ये था जी, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। अब बताइए ये दोनों क्वेश्चन आपके पढ़े नहीं हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। एक क्वेश्चन पूछा था रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी, इन डीसीटी, डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन कराता है, डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन कराता है। जी आसान सा क्वेश्चन था कि इसका सबको आंसर आ रहा होगा। इसमें ऑप्शन था वेसोप्रेसिन, एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन, सभी का आंसर आ रहा था। सर जी ये कराता है वेसोप्रेसिन, जिसे हम लोग एडीएच के नाम से जानते हैं। हमने आपके सामने तीन प्रश्न लिखा, क्या आप बताइए ये प्रश्न आपके सामने से नहीं गुजरे थे। अभी 8 बजे हम सभी लोग पूरे प्रश्नों को देखने वाले हैं, आप सभी लोग 8 बजे के लिए तैयार रहेंगे। अभी हम सुपर फास्ट रिवीजन की जो क्लास है इसमें हम आपके साथ 60 क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं, कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ये 60 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ईएमआरएस के लोगों के अंदर एक अलग से एनर्जी होगी, और जो अलग से एनर्जी होगी वो उनको ताकत देगी अगले एग्जाम के लिए। तो सभी लोग एक बार थंब अप करें और बताने की कोशिश करें, पहले हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। जी पहले हम सभी लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अभी पेपर एनालिसिस पर आएंगे, आप सभी लोगों को पेपर दिखाएंगे, डोंट वरी बी हैप्पी। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जी एक बार सभी लोग थंब अप करें, पेपर में अभी ना उलझें, अभी आपके सामने हम पूरा पेपर दिखाने वाले हैं। पेपर बहुत ही ज्यादा टफ नहीं था, ना बहुत ही ज्यादा इजी था, आप कह सकते हैं कि आज आपको उसमें से 60+ करना है। जी आज आपको उसमें से 60+ करना है चाहे जैसे। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर करें। जी HMM लिखा हुआ है, LMM लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मैच करें, HMM और LMM। जी बताने की कोशिश करेंगे इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, टेल मी फास्ट। जी फटाफट बताने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। जी सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। जी और आंसर आना शुरू हो गया है। और लगभग सभी लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है कि सर जी HMM हेड को बताता है, किसको बताता है, हेड को बताता है, और जो LMM है वो शॉर्ट आर्म को बताता है और टेल को बताता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग की फैक्टर्स मेक्स प्लाज्मिड द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा ऐसा की फैक्टर्स है,
कौन से ऐसे की फैक्टर हैं जो प्लाज्मिड को फैक्टर्स बनाते हैं? विच आर द फॉलोइंग की फैक्टर्स मेक प्लाज्मिड वेक्टर इन अ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसे वेक्टर की तरह काम करने के लिए निम्न में से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज, इट इज रेजिस्टेंस टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट्स एबिलिटी टू कैरी फॉरेन जीन, इट्स एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। सर जी, इसकी जो फॉरेन जीन को कैरी करने की एबिलिटी होती है, यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। किसमें? यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कौन सा कैरेक्टर है ये बताएंगे, इट्स एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन। ये फॉरेन जीन को कैरी करने की एबिलिटी रखता है, जिसके कारण इसे वेक्टर के रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। और इसका सब लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए सी। और किसी ने अगर धोखे से इसका आंसर टिक कर दिया कि इट इज रेजिस्टेंट टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये बात सही है कि ये रेजिस्टेंस होता है, ये बात भी सही है कि ये एंटीबॉडीज से रेजिस्टेंस रखता है, लेकिन जो वेक्टर बनने की कंडीशन है वो इस पर आती है। इसमें पूछा है वेक्टर बनने की कौन सी कंडीशन है, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा की फैक्टर है, तो ये फॉरेन जीन को कैरी करता है, ये की कैरेक्टर है जी। यहां से देखिए एक प्रश्न है आपके सामने, काफी अच्छा प्रश्न है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्न कॉलम्स को मैच करें, निम्न कॉलम्स को मैच करें, कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करें। गैस्ट्रिन क्या काम करता है, तो आप बताएंगे गैस्ट्रिन जो है सिक्रीशन ऑफ HCl, ये क्या करता है, ये HCl के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। और जो आपका सिक्रेटिन है ये क्या काम करता है, आप बताएंगे सिक्रेटिन जो है स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियाज। CCK क्या करता है, आप बताएंगे एक्ट्स ऑन गाल ब्लैडर, कहां पर एक्ट करता है, गाल ब्लैडर पर। GIP क्या करता है, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इस आधार पर आप सभी लोग एक बार सोचने की कोशिश करें कि गैस्ट्रिन क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ HCl। यही HCl से प्रश्न था कि यही जो HCl है ये क्या करता है, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, ये क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। लेकिन इसमें हम लोग फास्ट रिविजन देख रहे हैं इसलिए तेजी से चलते हैं। कोलियोराइजा क्या है, कोलियोराइजा का नाम सुनते ही आप सभी लोगों को याद आता है कि कोलियोराइजा का मतलब क्या होता है। कोलियोराइजा लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन मोनोकॉट या लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन डाइकॉट, तो आप सबसे पहले बताएंगे सर जी इसका सही आंसर होगा ये कोलियोराइजा, ये किसमें बनता है, ये मोनोकॉट में बनता है, ये डाइकॉट में नहीं बनता है। तो ये डाइकॉट में नहीं बनता है इसलिए इसका बी आंसर तो हो ही नहीं सकता, और ये अपर एंड पर नहीं बनता तो इसका डी आंसर नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन मोनोकॉट इज कॉल्ड, इसे हम लोग कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं। मेज वाला वो डायग्राम आपको याद होगा, एम्ब्रियो जो मेज का एम्ब्रियो होता था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आएगा। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर DDT फॉस्फेट और वाटर हाइसियंथ, ये आप देखते हैं तो यहां पर आपको याद आता है कि ये वाला प्रश्न तो पूछा गया था हरियाणा में पूछा गया था, टेरर ऑफ बंगाल, कहीं ना कहीं से प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। अभी जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये प्रश्न आसान होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म मैटर, ये BOD, DDT को आपने पढ़ा है किसमें, बायो मैग्निफिकेशन में, वो आपको एग्जाम्पल याद होगा फिश वाला। फॉस्फेट को आपने कहां पढ़ा है, यूट्रोफिकेशन में, ये भी आपको याद होगा। उम्मीद करते हैं A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, और सभी लोगों का आंसर C चल रहा होगा, C या B, सभी लोगों का आंसर B चल रहा होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़िएगा, बताने की कोशिश करिएगा। द रोल ऑफ DNA लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स इज,
रोल ऑफ डीएनए लाइगेस, डीएनए लाइगेस का क्या रोल होता है। अब यहीं पर डीएनए लाइगेस का मतलब है, ईएमआरएस वालों को यहीं पर गौर करना है कि आपसे डीएनए लाइगेस पूछा जा सकता है, पॉलीमरेज पूछा जा सकता है, आइसोमेरेज पूछा जा सकता है, हेलिकेज पूछा जा सकता है, ये सब आपके प्रश्न बन सकते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्टिकी एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, लिगेशन ऑफ ऑल प्यूरीन एंड पिरामिडीन बेसिस। तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा सर जी, ये जोड़ने का काम करता है, लिगेशन ऑफ ऑल प्यूरीन एंड पिरामिडीन्स। ये क्या करता है, ये प्यूरीन और पिरामिडीन्स को जोड़ने का काम करता है जी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा कि ये क्या काम करता है। लोग कुछ आंसर बता रहे थे क्या, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्टिकी एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, नो, लिगेशन ऑफ ऑल प्यूरीन एंड पिरामिडीन बेसिस। ये लाइगेस क्या करता है, सभी प्यूरीन और पिरामिडीन बेसिस को जोड़ता है, ये जोड़ने का काम करता है। इसे, हाँ, इसे गम कहते हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसका सही वाला काम क्या है ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले एक बार चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीजें अपने आप से क्लियर नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्न कॉलम्स को मैच करें जी। आपसे पूछ रहा है क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, फेस में कितनी होती हैं, रिप्स में कितनी होती हैं, ईयर ऑसिकल में कितनी होती हैं। हर कोई जानता है ईयर ऑसिकल में कितनी होती हैं, 3, रिप्स में कितनी होती हैं, 24, क्रेनियम में कितनी होती हैं, 8, और फेस में कितनी होती हैं, 14। 2314 आ रहा है जी, देखने की कोशिश करिएगा और उम्मीद करते हैं 2314 यहां पे देखिए, क्रेनियम में देखिए 14, फेस में देखिए 8, 3214 जी, 7 में आइए 2341, हाँ सही तो है, पहले सही था। ए का क्रेनियम में कितना हो जाएगा, क्रेनियम में हो जाएगा 2, फेस में कितना हो जाएगा 14, और रिप्स में कितना हो जाएगा 24, ईयर ऑस्किल में कितना हो जाएगा 1, तो 2341 आ तो रहा है, 2341, और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा 2 जी, बिल्कुल सही है 2341 जी। तो ये याद रखना है कि क्रेनियम में कितने होते हैं, क्रेनियम में 8 होती हैं, फेस में कितने होते हैं 14, रिप्स में कितने होते हैं 24, ईयर ऑसिकल में कितने होते हैं 3। उम्मीद करते हैं क्लियर। द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड कॉल्ड, उस पिरामिड को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, ट्रॉपिकल लेबल कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। तो सभी लोगों का आंसर आएगा उसे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के नाम से जानते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। मीजोथर्म्स क्या होते हैं, माइक्रोथर्म्स क्या होते हैं, हेकिस्टोथर्म्स क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को याद होगा, हेकिस्टोथर्म का मतलब होता है जो ठंड वाली जगह पर पाए जाते हैं, आर्कटिक रीजन। हेकिस्टोथर्म्स का मतलब क्या होता है, आर्कटिक रीजन वाले, और मीजोथर्म्स का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल रीजन वाले। मीजोथर्म का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल रीजन वाले, और माइक्रोथर्म्स का मतलब होता है टेम्परेट रीजन वाले। इसका मतलब 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1, 3 और 2 1 कहां दिया है, सी इज द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, सी इज द राइट आंसर जी। सभी लोगों का करेक्ट आंसर 3, 2, 1, उम्मीद करते हैं डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। ट्विंस में अराइज फ्रॉम अ सिंगल एग
आर फ्रॉम टू एग, कह रहे हैं जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस या तो वो सिंगल एग से अराइज होते हैं या तो वो दो एग से अराइज होते हैं। और उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें क्लियर हैं कि ट्विंस जो हैं वो सिंगल एग से भी अराइज होते हैं और टू एग से भी अराइज होते हैं। वन एग गिव्स राइज टू आइडेंटिकल ट्विंस, एक एग से आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं बाय सेपरेशन ऑफ ब्लास्टोमियस एंड टू एग्स प्रोड्यूसेस नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और उम्मीद करते हैं ये भी ऑप्शन आपका सही है और इसका एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्न कॉलम्स को मैच करें। कैलिक्स क्या काम करता है, कैलिक्स क्या काम करता है, कैलिक्स काम करता है प्रोटेक्शन। कोरोला क्या काम करता है आप बताएंगे, अट्रैक्शन। स्टैमेन क्या होता है, इससे मेल गैमीट बनते हैं। कार्पेल्स क्या होता है, इससे फीमेल गैमीट बनते हैं। 2, 3, 4, 1 जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, 2, 3, 4, 1 जी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा 2, 3, 4, 1। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट है जी, डन, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, अबाउट जीन गन मेथड। आप सभी लोगों को याद होगा जीन गन मेथड, बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है जीन गन मेथड के बारे में। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज बायोलिस्टिक टेक्निक, इस मेथड को बायोलिस्टिक टेक्निक के नाम से जानते हैं, आप बताएंगे करेक्ट है। इन दिस मेथड सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई एलास्टिक माइक्रो प्लास्टिक ऑफ गोल्ड आर टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए इन प्लांट्स, तो आप बताएंगे ये भी सही है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है विच स्टेटमेंट ऑफ गिवन आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं जी, तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसका दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी और ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, यहां पर दिया है एनालॉगस आर्गन, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ह्यूमन एम्ब्रियो हैव गिल। इसको मैच द फॉलोइंग में कह रहे हैं कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने बताया होगा। एक्सपेरिमेंट केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। एनालॉगस आर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस आर्गन जो है ये विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई है। एनालॉगस आर्गन क्या है, ये विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई है। ह्यूमन एम्ब्रियो हैव गिल, इसका मतलब ये है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, और लगभग सभी लोगों का आंसर चल रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है जी, फटाफट बताने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, तो आप बताएंगे केमिकल, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट तो आप बताएंगे केमिकल इवोल्यूशन, और ओपेरिन एंड हॉल्डेन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल एवोल्यूशन का, तो इस अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 जी, 4, 3, 2, 1 और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, डी इज द राइट आंसर जी। कोई बात नहीं अक्षिता यादव जी, ट्रेवल करने में हम सबके पास नेटवर्क इशू होता है और आज तो ज्यादातर लोग ट्रेवल ही कर रहे होंगे बिहार से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जी, कुछ लोग तो चेन्नई भी चले जा रहे होंगे। टू जियोग्राफिकल रीजन्स सेपरेटेड बाई हाई माउंटेन रेंजेस, दो जियोग्राफिकल रीजन कौन से हैं, टू जियोग्राफिकल रीजन सेपरेटेड बाई हाई माउंटेन रेंजेस, जो हाई माउंटेन रेंजेस से सेपरेट होते हैं, पैलीआर्कटिक एंड ओरिएंटल, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन, नियार्कटिक एंड पैलीआर्कटिक, नियोट्रॉपिकल एंड यूथोपियन,
इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बायोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा और इसका सही आंसर है पैलियाटिक एंड ओरिएंटल। पैलियाटिक एंड ओरिएंटल इज द राइट आंसर। जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर, डन टू ऑल, और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जी 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट्स इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मिथेन। आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जी बायोगैस इज कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मेथेन। ये प्योर मेथेन होता है? नो सर। मिथेनोबैक्टीरियम इज एरोबिक बैक्टीरियम। जी महागलत। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरियम ऑन एनिमल वेस्ट। इसका सही आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट्स इन सेटलमेंट टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। जो रिच सोर्स होता है एरोबिक बैक्टीरिया का, उसमें यह बनता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, ए इज द राइट आंसर। जी ये ए इज द राइट आंसर, और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, ए इज द राइट आंसर। कुछ लोग तो एग्जाम में धोखे से लगा के आ जाते कि ये क्या है, ये जो है गोबर गैस के नाम से जाना जाता है और इसमें प्योर मीथेन होता है, गड़बड़ हो जाता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द वेरियस स्टेप्स इन जीन मैपिंग सीक्वेंस। इसको याद ही कर लीजिएगा आज से। जीन मैपिंग सीक्वेंस का जो है, जीन मैपिंग सीक्वेंस को अरेंज करना है, वेरियस स्टेप को करेक्टली अरेंज करना है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है डिटरमिनेशन ऑफ जीन ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ मैप डिस्टेंस, डिटरमिनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप, कंबाइनिंग मैप सेगमेंट। तो सबसे पहले ये जानते रहिए कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आएगा कि डिटरमिनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप, ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। डिटरमिनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप, आप पहले लिंकेज ग्रुप का डिटरमिनेशन करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे मैप डिस्टेंस का, दो नंबर पर ये आएगा। फिर जीन ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे, जीन ऑर्डर बताएंगे, फिर जाकर के आप बताएंगे, ये तीसरे नंबर पर आएगा, और ये चौथे नंबर कंबाइनिंग मैप सेगमेंट्स। इसका आंसर डी करेक्ट है, और इसे ध्यान में रखिएगा, जीन मैपिंग का सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। अगर जीन मैपिंग का सीक्वेंस पूछा जाए तो याद रखिएगा, पहले डिटरमिनेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप, पहले आप लिंकेज ग्रुप डिटरमाइन करेंगे, फिर मैप डिस्टेंस पता करेंगे, फिर उसका जीन ऑर्डर पता करेंगे, फिर उसकी कंबाइनिंग से मैप सेगमेंट बनाएंगे, फिर उसकी कंबाइनिंग मैप सेगमेंट्स बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मेजर सोर्स होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में लीकेज हो जाए फ्रॉम पावर प्लांट, पावर प्लांट से लीकेज हो जाए तो रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा। अनसेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, हमने आपको बताया था ना कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को कितने नीचे ले जाकर के डिस्पोज करते हैं, अगर इसका अनसेफ डिस्पोजल करते हैं तब ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो सकता है। मेजर सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, आप बताएंगे ये दोनों हैं जो मेजर सोर्स हैं। इसी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के जरिए, आपको याद होगा, इसी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के जरिए केल्विन साहब ने CO2 का मार्ग खोजा था, कार्बन डाइऑक्साइड का मार्ग खोजा था, और उसमें कार्बन 14 को यूज किया था, जिससे प्लांट में ये पता चला था
कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस तरफ से होकर जाती थी, इसके लिए उन्होंने क्लोरेला एल्गा को यूज किया था। आप सभी को याद होगा जब आप लोग पढ़ते होंगे फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन, तो आप वहां पर C3 साइकिल जब पढ़ते हैं तो C3 साइकिल में द्वितीय विश्व युद्ध की बात होती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात होती है 1939 से 1945 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी, उसके बाद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले थे, केल्विन साहब ने उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधार पर ये केल्विन साइकिल को खोजा था, CO2 का पाथ पता किया था, क्लोरेला में रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक को यूज किया था, कार्बन 14 को यूज किया था, जो कि उनके डार्क रिएक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बाखूबी सुना होगा और जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है, खास करके EMRS में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जहां से आप सोचते हैं कि प्रश्न नहीं आएगा, वहीं से प्रश्न देखने को मिलता है। तो EMRS में जरूर से जरूर इस तरह के NCERT बेस्ड प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। जी डन टू ऑल, इस प्रश्न को देखिए और बताने की कोशिश करिए इसका सही आंसर क्या है। जी कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, स्क्रबर क्या करता है और पार्टिकुलेट क्या करता है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। सर जी कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के लिए जो है अलग करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है ये क्या करता है, पार्टिकुलेट मैटर को अलग करता है, और जो स्क्रबर होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करता है, जो पार्टिकुलेट होता है वो एरोसॉल एंड स्मोक के। तो इस तरह से आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा बी इज द राइट आंसर। आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा बी इज द राइट आंसर, और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटर्स आर द एनिमल्स विच कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कैन रेगुलेट देयर हार्ट बीट, कैन रेगुलेट देयर सर्कुलेशन। उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा कैन मेंटेन देयर बॉडी होमियोस्टेसिस। जो बॉडी होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स कहते हैं, और सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा बी इज द राइट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको देखकर बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, राइबोसोमल RNA कैरी एमिनो एसिड टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये कैरी करता है एमिनो एसिड, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, महागलत, ट्रांसलेशन प्रोसेस बाय विच mRNA कैरीज द इंफॉर्मेशन, महागलत, एंटीकोडॉन साइट ऑफ tRNA मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस टू द ट्रिपल कोड ऑन mRNA, जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है ट्रिपल कोड ऑफ mRNA का। तो आप बताएंगे जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जो है टर्मिनेशन कोडॉन, या उसी को बोलते हैं एंटीकोडॉन। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर। एंटीकोडॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, tRNA पर प्रेजेंट होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर याद होगा, डन नो डाउट। जी ये हैं जो प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आर्गन विथ डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलॉगस आर्गन्स। कह रहे हैं कि आर्गन्स विद डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन में डिफरेंस होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट होता है, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन
आर कॉल्ड होमोलॉगस आर्गन। आप कहेंगे गलत है सर, होमोलॉगस मतलब होता है जिनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। होमोलॉगस आर्गन लीड टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आप कहेंगे ये भी गलत है, ये लीड्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसका मतलब बोथ द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बोथ ए एंड बी दोनों गलत जी। आप बताएंगे दोनों गलत जी, बोथ, यही तो थोड़ा सा क्वेश्चन का नजारा देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। पूछा है विच आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप बताएंगे एक और दो दोनों इनकरेक्ट है। ये प्रश्न क्या किया, आता हुआ प्रश्न जिन लोगों ने डी लगाया वो उन लोगों का क्या हो गया, जिन लोगों ने डी लगाया उनका आता हुआ प्रश्न हाथ से निकल गया जी। बोथ इनकरेक्ट हैं, क्या हो जाएंगे, बोथ इनकरेक्ट हो जाएंगे जी। और उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इज द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इवॉल्विंग पॉपुलेशन, फिनोटिपिक स्ट्रक्चर ऑफ इवॉल्विंग पॉपुलेशन, फिनोटिपिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। क्या होता है हार्डी वेनबर्ग एक्सपेरिमेंट, हार्डी वेनबर्ग एक्सपेरिमेंट या हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल किसके बारे में बात होती है, तो आप बताएंगे सर जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन किसकी बात होती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन जब आपसे इस तरह से आते हैं तो आपको परेशान करते हैं जी। आप में से कोई बता रहा है कि फिनोटिपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बताता है कि किसके बारे में, ये बताता है जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन जी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। टेल मी फास्ट, पहला क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ऑपरेटर जीन क्या होते हैं, प्रमोटर जीन क्या होते हैं, रेगुलेटर जीन क्या होते हैं। आपको याद आया होगा जी ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन याद आया होगा, और उम्मीद करते हैं लैक ओपेरॉन याद आया होगा तो सभी लोगों को स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन, ये एंजाइम प्रोटीन को कोड करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, एंजाइम प्रोटीन को कोड करते हैं, और ऑपरेटर जीन क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर जीन, ये रिप्रेसर जीन का बाइंडिंग साइट होता है, और प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर जो होते हैं यहीं से आकर के बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और रेगुलेटर जीन क्या करते हैं, कोड्स फॉर, आपको याद रखना है कि ये क्या करते हैं, कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। ये याद रहेगा तभी एग्जामिनेशन में बन पाएगा जी, अगर नहीं याद रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका सही आंसर सबका आ रहा होगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन पढ़ते हैं जी, रेगुलेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन पढ़ते हैं, और जहां जब आप रेगुलेटर और स्ट्रक्चरल जीन पढ़ते हैं तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो किसकी सिंथेसिस करता है, एंजाइम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। एक पॉइंट याद रहता तब भी ये काम हो जाता, लेकिन यहां तो रिवीजन के तौर पर याद रखना है। अ सिंगल इम्यूनो एसिड इज ऑफन कोडेड बाय मोर देन वन ट्रिपलेट कोड्स, करें कि एक सिंगल अमीनो एसिड है कोडेड बाय, अ सिंगल अमीनो एसिड इज ऑफन कोडेड बाय मोर देन वन ट्रिपलेट कोड्स, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फर्स्ट टू बेसेस आर द सेम बट द थर्ड बेस इज डिफरेंट, दिस फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड, जेनेटिक कोड के इस फीचर को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड के इस फीचर को क्या कहते हैं। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, इसे क्या कहते हैं, तो लोग बता रहे हैं
इसे इसकी रिडंडेंसी कहते हैं या इसे इसकी डिजेनरेसी कहते हैं। अ सिंगल एमिनो एसिड इज ऑफन कोडेड बाय मोर देन वन ट्रिपलेट कोड, एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोड से यह कोड किया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट टू बेसेस आर द सेम बट द थर्ड बेस इज डिफरेंट। दिस फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड, जेनेटिक कोड के इस फीचर को क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कहते हैं या डीजेनरेसी कहते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, दिस इज रिडंडेंसी और डीजेनरेसी, सी इज द राइट आंसर। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एसएनपी कहां लोकेटेड होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इज लोकेटेड ऑन आरएनए वेयर द सिंगल बेस डिफर्स, लोकेशन ऑन द प्रोटीन्स वेयर द सिंगल बेस डिफर्स, लोकेशन ऑन जीनोम वेयर द सिंगल बेस ऑफ डीएनए डिफर्स, लोकेशन ऑन जीनोम वेयर मेनी बेसेस ऑफ डीएनए डिफर्स, जहां पर डीएनए के मेनी बेसेस डिफर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, सी इज द राइट आंसर। लोकेशन ऑन जीनोम वेयर सिंगल बेस ऑफ डीएनए डिफर्स, जहां पर सिंगल बेस ऑफ डीएनए डिफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसएनपी। इसे हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 26 नंबर क्वेश्चन। असर्शन में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, असर्शन में लिखा हुआ है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द वेस्ट ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सभी लोगों का उम्मीद करते हैं करेक्ट आंसर आ रहा होगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द वेस्ट ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस आधार पर आप कह सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आपकी स्क्रीन पर, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्न कॉलम्स को मैच करें। उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आएगा, ओवरीज, ओव्यूलेशन, ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन, यूटेरस, प्रेगनेंसी, सर्विक्स, चाइल्ड बर्थ। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। जी टेल मी फास्ट, जी ओवरीज, ओव्यूलेशन, ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन, यूटेरस, प्रेगनेंसी, सर्विक्स, चाइल्ड बर्थ। जी डन टू ऑल, जी इसका ए इज द राइट आंसर, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्यों कहा जाता है? गैमेट्स हैव ओनली वन ऑफ द टू एलील्स फॉर ईच कैरेक्टर्स, या गैमेट्स कैन नॉट बी कंटामिनेटेड, या गैमेट्स आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, या बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स इन 1:1:2 रेशियो। इट वॉज जस्ट अनदर नेम ऑफ एडॉप्टेड एक्सीडेंटली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, गैमेट्स हैव ओनली वन ऑफ द टू एलील्स फॉर ईच कैरेक्टर, सो दे आर कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसीलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से जानते हैं, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैच द फॉलोइंग इन कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करें, कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करें। राइनोसिरोस, टाइगर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, जी इसको बांदीपुर यहां चला गया है, थोड़ा इसको बांदीपुर को यहां लेते आइएगा, बांदीपुर, जी असेंबलेज प्रोटेक्शन, साइलेंट वैली। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए,
साइलेंट वैली की बात करते हैं तो जहां तक हम सोचते हैं और आप भी सोचते हैं कि ये बात किसकी करते हैं, साइलेंट वैली की बात होती है तो ये बात करते हैं एवर ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट की। साइलेंट वैली बात करती है एवर ग्रीन फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल एयर ग्रीन फॉरेस्ट की। और राइनोसिरोस बात करता है किसकी, आप बताएंगे, काजीरंगा की। टाइगर प्रोजेक्ट जो कर्नाटका में है उसे बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। और असेंबलेज प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आप बताएंगे ये भरतपुर में, जी देखिएगा करेक्ट आंसर टिक करिए क्या आ रहा है, तो आप बताएंगे ए का 3 सही है, बी का 5 सही है, सी का 1 सही है, डी का 2। 3512 इज द राइट आंसर, 3512 इज द राइट आंसर। जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सिमिलर टू, जी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया आर थ्रोट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट, हाँ बिल्कुल सही है, आपने दोनों पॉइंट क्लियर किया है। और जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, डन। ये किसके सिमिलर होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के सिमिलर होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, जी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए के सिमिलर होता है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर ये फिर से टाइप हो गया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया आर इवॉल्व थ्रू फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये भी सही है, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन पता चल रहा है, दोनों करेक्ट हैं लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन पता चल रहा है, जी तो आप बताएंगे नहीं, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। हाइपोथैलेमस एक्रोसोम ग्राफियन फॉलिकल्स लीडिंग सेल पार्च्यूरिसन, देखिएगा और करेक्ट आंसर बताइएगा, हाइपोथैलेमस एक्रोसोम ग्राफियन फॉलिकल्स लीडिंग सेल पार्च्यूरिसन, इधर लिखा हुआ है स्पर्मोलाइसिस ओस्ट्रोजन रिलैक्सिन जीएनआरएच टेस्टोस्टेरोन। तो हाइपोथैलेमस का नाम सुनते ही सब लोगों को याद आया होगा, जी उम्मीद करते हैं सभी लोगों को याद आया होगा, जी जीएनआरएच। और एक्रोसोम का नाम सुनते ही आप सभी लोगों को याद आया स्पर्मोलाइसिस, ए का 4 बी का 1, ग्राफियन फॉलिकल का नाम सुनते ही आप सभी को याद आया होगा ग्राफियन फॉलिकल ओस्ट्रोजन, लीडिंग सेल का नाम सुनते ही याद आया होगा टेस्टोस्टेरोन, पार्चुरेशन का नाम सुनते ही याद आया होगा रिलैक्सिन, आंसर विल बी जी डी। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, डी इज द राइट आंसर, जी उम्मीद करते हैं आप में से लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लिंकेज, लिंकेज के बारे में कौन सा ट्रू है, आपको बताना है कि लिंकेज के बारे में कौन सा ट्रू है, Which of the following is are true about linkage? It is phenomena in which more recombinants are produced in F2 generation. बिल्कुल सही है, लिंकेज में क्या होता है, ये एक फिनोमिना है जिसमें F2 generation में कई सारे जो है प्रोड्यूस होते हैं recombinants. More parental combination
आर प्रोड्यूस्ड इन एफ टू जनरेशन? नो. जीनोटाइप विच आर प्रेजेंट इन एफ वन हाइब्रिड रीअपीयर इन हाई फ्रीक्वेंसी एफ टू जनरेशन? नो. इसका केवल आपसे पूछा है कौन सा एक ट्रू है, तो इसमें से ओनली वन करेक्ट है. आप बताएंगे केवल एक करेक्ट है, बी और सी गलत है. जी केवल एक करेक्ट है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों का करेक्ट होना चाहिए कि केवल एक करेक्ट है, ओनली वन. अपने आप से दिमाग नहीं लगाना है, पूछा है लिंकेज के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है. अपने आप से दिमाग लगाएंगे तो आपको पूरी जेनेटिक्स याद आने लगेगी. नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज कहां होता है? नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज आप बताएंगे रिकॉम्बिनेशन में. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसमें बनते हैं? आप बताएंगे क्रोमो क्रॉसिंग ओवर में. सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? आप बताएंगे एक्स वाई. हीमोफीलिया किससे होती है? सेक्स लिंक डिजीज. जी अब यहां आपके दिमाग में आएगा सर सेक्स क्रोमोसोम तो केवल एक होते हैं. अब भाई जैसे क्वेश्चन होगा जैसे ऑप्शन होगा उस आधार पर आपको चलना है, अपने मन का नहीं चलना होता. पता है आपको याद होगा पहले आपके पास पैसेज वाले क्वेश्चन आते थे और उसमें कहता था अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर दीजिए, और अगर उसमें बायोलॉजी का पैसेज आ जाता था तो ये पैसेज को भूल जाते थे, अपने ज्ञान से आंसर देने लगते थे, और जब नंबर आता था तो वो गलत हो जाता था. क्यों? क्योंकि आपसे पैसेज से पूछा गया था, अपने ज्ञान से नहीं पूछा गया था. तो यहां पर क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन होता है वैसे आंसर करते हैं. नॉन पेरेंटल जीन एक्सचेंज किसमें होता है? आप बताएंगे रिकॉम्बिनेशन में. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसमें बनते हैं? क्रॉसिंग ओवर में. सेक्स क्रोमोसोम कौन होते हैं? दोनों. हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिजीज. मतलब 4, 1, 2, 3 ए इज द राइट आंसर. इसीलिए वो क्वेश्चन पैसेज वाला अभी तक आता है, सीसैट का एग्जाम होता है तब भी वो आता है. जी तो उम्मीद करते हैं कि सीसैट में इसीलिए अभी भी आता है. और एक क्वेश्चन आता है प्रेसी लिखना. प्रेसी लिखना मतलब जितना जितना लिखा है जितना पेज, जैसे मान लीजिए 10 लाइन लिखा है तो उसको 3 लाइन में लिखना होता है. तो आप कैसे लिखते थे? थोड़ा यहां से ले लेते थे, थोड़ा यहां से, थोड़ा यहां से, थोड़ा यहां से. ये आपकी गुणवत्ता होती थी. आप उसी पैसेज की यहां वहां से ले लेते थे, चुरा लेते थे. और जब इसका पेपर सॉल्व होता था तो गुरुजी एकदम फिक्स किए थे 3 में से डेढ़ ही नंबर देना. जी कुमकुम दुबे जी कंटिन्यू रहिए, ठंड इतनी भी नहीं बढ़ी है, सफर आप कर रही हैं, हम लोग नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपकी स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रिमोटॉइड अर्थराइटिस? इसमें से कौन है जो रिमोटॉइड अर्थराइटिस का रीजन है? जी रिमोटॉइड अर्थराइटिस का रीजन पूछ रहा है. लेकिन आप जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस पढ़ते हैं उसके बाद यहां आ जाते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहां लिखा है लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव. अब आपका सारा ज्ञान लिम्फोसाइट्स पर चलने लगता है. लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव. जब लिम्फोसाइट्स मोर एक्टिव हो जाते हैं, जब 40% से ज्यादा हो जाते हैं या 20% से कम हो जाते हैं, तो लिम्फोसाइट की यहां पर कहानी चलती है जिसे हम लोग लिम्फोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं, लिम्फोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं. इसको लिम्फोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं. लेकिन यहां पर दिमाग में नहीं लगाइएगा. बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल. जब बॉडी सेल्फ सेल को अटैक करने लगती है तब होता है. मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी. जब बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगते हैं तब होता है. ध्यान रखिएगा पूछा है रिमेटॉइड अर्थराइटिस कब होता है, लिम्फोसाइट नहीं पूछा है. दिमाग सही करके रखना है. पूछ रहा है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस कब होता है. लिम्फोसाइट्स बिकम मोर एक्टिव. आप बताएंगे नो. बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल ये सही है. मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस नो. द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल इज लॉस्ट. जब ये लॉस्ट हो जाता है तब यह कंडीशन आती है रिमेटॉइड अर्थराइटिस की. नहीं तो ऑप्शन पढ़ते ही आपका दिमाग कहने लगता है इसके बारे में पूछा है. जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. सी इज द राइट आंसर. और लगभग
आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा सेकेंड एंड फोर्थ। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्न कॉलम्स को मैच करिए। एक क्वेश्चन बिहार में यहां से पूछा था, एक क्वेश्चन इसमें से बिहार में पूछा था जी। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, नॉन मीडिएटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग पूछेगा तो हार्मोन का नाम लिखा है प्रोजेस्टर्स एंड एलएनजी 20, ये सही है। और कॉपर रिलीजिंग पूछेगा तो कॉपर टी, कॉपर 7 ये लिखा है। नॉन मीडिएटेड पूछेगा तो लाइफ्स लूप पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 231। क्या हो जाएगा 231 कही है, सी इज द राइट आंसर जी। 231 इज द राइट आंसर, 231 इज द राइट आंसर जी। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़िए अच्छा है। सीमेन इज प्रिजर्व फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हीटिंग, हीट करके सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है, हीट करके सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है। आप कहेंगे सर जी महा गलत है, क्योंकि इन्हें प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड में रखा जाता है। मोस्ट कॉमन बी स्पेसीज रेयर्ड इन इंडिया इज एपीज इंडिका, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज म्यूल, एकदम सही है। विच स्टेटमेंट जी, विच स्टेटमेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाई हीटिंग, कह रहे हैं कि सीमेन इज मोस्ट कॉमन बी स्पेसीज रेयर्ड इन इंडिया एपीज इंडिका, ये भी तो सही है जी। एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज म्यूल, इंटर स्पेसिफिक का हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है, म्यूल है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवेन अबव आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है जी, कौन सा करेक्ट नहीं है, पूछा है नॉट करेक्ट जी। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। आज बिहार के एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं जी, ध्यान रखिएगा कि जो है लोगों के क्या हुए हैं, लोगों के जल्दीबाजी में कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हुए हैं, वो आपके नहीं होने चाहिए। वन ओनली जी जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर है वन ओनली। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आपके स्क्रीन पर। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, निम्न कॉलम को मैच करें। कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम वन और कॉलम टू, जी बताने की कोशिश करिएगा जी। उपासना जी, स्मैक, स्मैक की बात होती है तो याद आता है जी, तो सभी लोगों को याद आता है पापावर सोमनीफेरम। चरस की बात होती है तो याद आता है कैनाबिस सेटाइवा। कोकेन की बात होती है तो याद आता है एरिथ्रोजाइलम। और कल के एग्जाम में एलएसडी आने वाला है, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया। उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा 4321, 4321 इज द राइट आंसर, 4321 इज द राइट आंसर, 4321 इज द राइट आंसर। Which method is used for the removal of sulfur dioxide and ammonia from the polluted air? Which method is used for the removal of sulfur dioxide? अब बताएंगे, याद आया, स्क्रबर। कौन सा स्क्रबर? वेट स्क्रबर। कौन है जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आप सभी का आंसर आएगा स्क्रबर जी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? स्क्रबर है जो इसके लिए यूटिलाइज होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, पहले से देख लीजिए पूछा है कौन सा स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स है जो रॉन्ग है। पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल फॉर सेवरल मंथ बिकॉज देयर आउटर कवरिंग इज मेड ऑफ स्पोरोलेनिन। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। पॉलन ग्रेन्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन फॉसिल स्ट्रेटा ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। पॉलन वॉल हैज कैविटीज कंटेनिंग प्रोटीन्स, यही गलत है। स्पोरोपोलेनिन तो आप सभी लोग जानते हैं, इसी के कारण तो इसका क्या मिला है, इसका जो है आप बताएंगे फॉसिल्स मिलते हैं, पॉलन ग्रेन्स डिग्रेड नहीं होते हैं। इसका करेक्ट रॉन्ग क्या है, पॉलन वॉल्स हैज कैविटीज कंटेनिंग प्रोटीन। पॉलन वॉल में कैविटीज होती हैं जिसमें प्रोटीन पाई जाती हैं, दिस इज रॉन्ग, ये इसका गलत है, डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 आपकी स्क्रीन पर। पार्चुरेशन, गैस्टेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, कॉन्सेप्शन, देख करके बताने कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए, उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए जी। अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू इंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन हो गया। रिलीज ऑफ एग, ओव्यूलेशन हो गया। डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन हो गया। पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय फ्यूजन, स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन, कंसेप्शन। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर हो गई होंगी जी। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, ए का थ्री, और सभी लोगों का जैसे ए का थ्री मिला होगा, करेक्ट हो गया होगा। गैस्टेशन ए का थ्री जी। पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग, इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू इंडोमेट्रियम, कॉन्सेप्शन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय फ्यूजन। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, डी इज द राइट आंसर जी। क्लियर टू ऑल, जी उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर। व्हाई द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम डू नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाई द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा डू नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों फ्यूजन नहीं होता स्पर्म और ओवा का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाई लेवल ऑफ ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम आर प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गोनाइडोट्रोपिन एंड ओव्यूलेशन। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर और सटीक आंसर यही होगा जी। क्यों नहीं होता है तो आप बताएंगे, क्योंकि हाई लेवल पर होता है जी। किस पे होता है, हाई लेवल पर होता है जी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसके कारण ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा आपकी स्क्रीन पर। नेचुरल मेथड जी, IUDs, बैरियर मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब अगर आपसे पूछा जाए मैच द फॉलोइंग, तो उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा जी। बताने की कोशिश करिएगा, आसान सा प्रश्न है आपके सामने। अब आपसे पूछा गया IUDs, आपने अभी सीखा था LNG20। बैरियर मेथड में डायाफ्राम को यूज करते हैं, नेचुरल मेथड में क्वाइटस इंटरप्शन होता है, सर्जिकल मेथड में मल्टी लोड 375 यूज करते हैं, ओरल कॉन्सेप्टिकल्स में आप सभी लोगों को याद है इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। और एक नजर इस पर रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहां से प्रश्न बन रहे हैं। त्रिशा अमरीश यादव जी लेट हैं क्या, गुड इवनिंग जी। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर। असर्शन में पूछा है ह्यूमन पॉपुलेशन डबल्स आफ्टर एवरी 35 ईयर्स एज अगेंस्ट 200 ईयर्स इन 1600 to 1800। कह रहे कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो जस्ट डबल हुई, बिल्कुल सही बात है।
ह्यूमन पॉपुलेशन, ये आंकड़े कहते हैं, डेटा एनालिसिस कहती है, ह्यूमन पॉपुलेशन डबल्स आफ्टर एवरी 35 इयर्स एज अगेंस्ट 200 इयर्स इन 1600 टू 1800. रैपिड इंक्रीज इज ड्यू टू द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज. ये जो रैपिड इंक्रीज है वो किसके कारण है? बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के कारण है. आप सभी का करेक्ट आंसर होगा कि इसका सही आंसर है बोथ ए एंड आर. असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है. जी, ये रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है. क्लियर टू ऑल? और उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आपकी स्क्रीन पर. आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं करेक्ट आंसर आएगा. आउटर इंटेगुमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात करते हैं टेस्टा की. आउटर इंटेगुमेंट में टेस्टा आता है, इनर इंटेगुमेंट में टेग्नम आता है. ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है. ओव्यूल से सीड बनता है. न्यूसलस से क्या बनता है? पेरिस्पम बनता है. ओवरी वॉल से पेरिकार्प बनता है. मतलब बिल्कुल सीधा है और आप सभी लोग इसका सीधे से आंसर लगा देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा. जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर. आसान सा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इसमें से कौन है जो करेक्टली मैच्ड है? अल्फा डायवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीसीज इन गिवन हैबिटेट. जी करेक्ट. जेनेटिक डायवर्सिटी, वेरिएशन ऑफ जीन विद इन स्पीसीज. करेक्ट है. बीटा डायवर्सिटी, डायवर्सिटी ऑफ हैबिटेट इन द होल रीजन. अब बताएंगे ये तो गामा की थी. स्पेसीज डाइवर्सिटी, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसीज रिचनेस एंड इवनेस. ये भी सही. 1, 2, 4 इज द राइट आंसर. और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा. 1, 2, 4 इज द राइट आंसर. जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर. उपासना जी 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा. जी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. निम्न कॉलम्स को मैच करें और सटीक आंसर बताएं. ZIFT, जाइगोट इंटर फेलोपियन ट्रांसफर. ICS क्या होता है? GIFT क्या होता है? मैच द फॉलोइंग. और आसान है, मैच करके बताइए फास्ट. और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट ही आएगा. टेल मी फास्ट. जी, बताने की कोशिश करिएगा. लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा. बी इज द राइट आंसर. जी, लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा और बी इज द राइट आंसर. ए में 3, बी में 5, सी में 2. जी, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमंग द गिवन ऑप्शन. गिवन ऑप्शन में बताना है कि इसमें से कौन सा है. फाइंड आउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमंग द गिवन ऑप्शन. दिए गए ऑप्शन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताना है. तो आप बताएंगे एड्स जी, सिफिलिस जी, गोनोरिया जी. 1, 2, 3 कौन सा नहीं होता? टीवी नहीं होता, मलेरिया नहीं होता. हेपेटाइटिस बी जी. 1, 2, 3, 5 तो उम्मीद करते हैं लगभग सभी का आंसर आ रहा होगा. 1, 2, 3, 5 इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 5. जी, 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. क्लेमाइडियासिस कौन कॉज करता है? गोनोरिया कौन कॉज करता है? ट्राइकोमोनियासिस कौन कॉज करता है? जेनाइटल हर्पीस कौन कॉज करता है? सिफिलिस कौन कॉज करता है? उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि इसमें से कौन डिजीज कॉज करता है.
लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा कि जो है क्लेमाइडियासिस, ये क्लेमाइडिया, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस कॉज करता है, गोनोरिया कॉज करता है, निसेरिया गोनोरिया कॉज करता है, ट्राइकोमोनियोसिस ट्राइकोमोनास वल्गैरिस कॉज करता है, और जेनाइटल हर्पीस हर्पीस कॉज करता है, सिफिलिस जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉज करता है, ट्रिपैनोमिया। जी उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, जी सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये सिफिलिस वाला आपसे पूछ सकता है ट्रिपैनोमा जो है पैलिडम, काफी इंपॉर्टेंट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या इस जर्म प्लाज्म का इवैल्यूएशन कितना महत्वपूर्ण, कितना मेन एम रखता है? टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल जीन्स बोथ ए एंड बी फॉर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जी बताने कोशिश करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ जर्मप्लाज्म इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो आप बताएंगे टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर बोथ आर करेक्ट की तरफ नहीं जाते हैं, जी बोथ आर करेक्ट की तरफ नहीं जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन कैरेक्टर। जी फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीन्स, ये क्या है? इट इज नॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स पिंक कॉटन बॉलवॉर्म्स जूप्लांकटन स्नेल पोलर बियर। पोलर बियर क्या करता है सब लोग जानते हैं, ठंड से बचने के लिए हाइबरनेट करता है। स्नेल क्या करता है? स्नेल एस्टिवेशन करता है क्या? जी पोलर बियर क्या करता है? पोलर बियर जो है ये हाइबरनेशन करता है, और स्नेल क्या करता है? स्नेल आपका आप बताएंगे एस्टिवेशन करता है। स्नेल एस्टिवेशन करता है, गर्मी से बचने के लिए चला जाता है। और जो आपका पिंक कॉटन बॉलवॉर्म है ये डाइपाज है, और जूप्लांकटन भी डाइपाज है। तो इसका सही आंसर है ए, ए इज द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आप में से लगभग लोगों का करेक्ट आंसर है ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताने की कोशिश करिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सोमैटिक सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज आर स्पेसीज ऑफ प्लांट ऑन सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम इन विट्रो टू डेवलप अ सोमैटिक हाइब्रिड इज कॉल्ड। आप बताएंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया था कि इसे याद करके रखिएगा। रिवेट पॉपर कम्युनिटीज विथ मोर स्पेसीज कम्युनिटीज विथ लेस स्पेसीज टर्म बायोडाइवर्सिटी। जैसे आपके सामने ये सवाल आता है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था, आप सभी को याद आता है एडवर्ड विल्सन। जी किसने दिया था टर्म बायोडाइवर्सिटी? और रिवर्ट पॉपर का क्या कॉन्सेप्ट था? आप बताएंगे इनका कॉन्सेप्ट था जी पॉल एनरिच, याद है? जी बताने की कोशिश करिएगा, याद है? रिवर्ट पॉपर पॉल एनरिच टर्म बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को याद रहना चाहिए। अगर ये दोनों मैच द फॉलोइंग के आपके सही थे तो आपका आसानी से आंसर हो जाता कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बताने की कोशिश करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे वन का ए हो जाएगा, सही है। डी का टू हो जाएगा, वन का ए डी का टू किसमें है? इसमें है और इसमें। जी कम्युनिटीज विथ मोर स्पेसीज, जिसमें ज्यादा स्पेसीज होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं, जिसमें कम स्पेसीज होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं। इसका सही आंसर है बी। आप लोग को सी कैसे आ रहे हैं? जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां स्टेबिलिटी कम होती है क्या? जहां पॉपुलेशन ज्यादा होता है
वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पॉपुलेशन कम स्टेबिलिटी कम। जी ऐसे ही करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब समझ गए, पॉपुलेशन की वो ग्रोथ जो बहुत ही तेज होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाती है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में याद आता है लैग लॉग। जी जी। और नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली फॉर लॉन्ग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्लोज डाउन एज द पॉपुलेशन नियर्स इट्स लॉग फेस। बैक्टीरियल कॉलोनीज हैव बीन ऑब्जर्व टू मेंटेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑलवेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज कॉमनली ऑब्जर्व इन लार्ज स्लो ग्रोइंग स्पेसीज सच एज ह्यूमन एंड एलिफेंट्स। जी और उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नो पॉपुलेशन कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली फॉर लॉन्ग। मतलब कोई भी पॉपुलेशन नहीं है जो एक्सपोनेंशियली लॉन्ग ग्रो कर सके, बहुत तेजी से ज्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन आप लोगों के आंसर कुछ और आ रहे होंगे। जी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, देखिए क्या आंसर आ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्लोज डाउन एज द पॉपुलेशन नियर्स इट्स लॉग फेज। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया? जी ये कहां से आया? मतलब नो याद। जी एओजी, इसको याद करने का तरीका है ए लैग लॉग और स्टीडी। ये तो जब ग्रो करता है तो इसके बाद स्टीडी वाला आता है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्लोज डाउन एज द पॉपुलेशन नियर्स इट्स लॉग फेज। ये कैसे? इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। पॉपुलेशन इंटरेक्शन एग्जांपल्स। मेचुलिज्म का एग्जांपल कौन सा है? जी कॉमन सेलिज्म का कौन सा है, पैरासिटिज्म का कौन सा है, कंपटीशन का कौन सा है, प्रीडेशन का कौन सा है? यहां लिखा है टिक्स ऑन डॉग्स। टिक्स ऑन डॉग्स जो है ये पैरासाइट है, पैरासिटिज्म का है। क्या भाई पैरासिटिज्म का कौन सा है? टिक्स एंड डॉग्स। बैलेनस एंड कैथमेलस। स्पैरो एंड एनी सीड। एपिफाइट्स ऑन मैंगो ब्रांच, ये किसका है? तो आप बताएंगे सर ऑर्किड ओफायरस एंड बी, ये किसका है? जी बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। म्यूचुअलिज्म का है टिक्स ऑन डॉग्स। ये जो टिक्स होते हैं डॉग्स में, जब ये डॉग्स के ऊपर रहते हैं तो उनका ब्लड लेते हैं। ये कैसे एग्जांपल हो जाएगा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन टिक्स एंड डॉग्स का। जी देखिए जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों के क्लियर। इसका ऑप्शन देखिए, कुछ ऑप्शन गलत दिख रहा है इसका। जी म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, स्पैरो एंड एनी सीड, बैलेनस एंड कैथामेलस, एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, ऑर्किड ओफ्रीस एंड बी। देखने की कोशिश करिए। जी उम्मीद करते हैं इसका ऑप्शन ही गलत लग रहा है। जी पॉपुलेशन इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म में दोनों का, दोनों मतलब दोनों फायदे में होने चाहिए। टिक्स ऑन बट डॉग्स ये फायदे में नहीं है, ये तो एक तरीके से पैरासिटिज्म हुआ। जी और कॉमन सेलिज्म
आपको कॉमनसेलिज्म में बताया था जी, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, बैलेनस एंड कैथामेलस हो सकता है इसका जी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ठीक नहीं है, आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ उपासना जी बिल्कुल सही है, डोंट वरी। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम मेक्स कट एट स्पेसिफिक, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स, रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग डीएनए लाइगेस, रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन, ये स्पेसिफिक पोजिशन पर कट लगाता है। इसमें से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इंपॉर्टेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है, एयर बॉर्न डिजीज कौन सी है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से कौन सी होती है, और फंगल डिजीज कौन सी है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं उसमें आपको पता चला कि फंगल डिजीज जी, उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है, एयर बॉर्न डिजीज कौन सी है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो आप बताएंगे इसका हो जाएगा सी का फोर, क्या हो जाएगा सी का फोर, कंटामिनेटेड वाटर से टाइफाइड और अमीबियोसिस होती है। फंगल डिजीज कौन सी होती है, डी का हो जाएगा थ्री, रिंग वॉर्म जी, सी का फोर डी का थ्री। उम्मीद करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज डेंगू और एयर बॉर्न डिजीज निमोनिया, उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा 56 का ए जी, उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा 56 का ए, ए इज द राइट आंसर। मियोसिस इज द सेल डिवीजन विच अकर्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मियोसिस एक सेल डिवीजन है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सही है। मियोटिक सेल डिवीजन रिजल्ट्स इनटू टू सेल्स हैविंग एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मेकअप, इनमें आपको सेम जेनेटिक मेकअप देखने को मिलता है। आप बताएंगे टू सेल्स नहीं, इसमें फोर सेल्स बनती हैं, ये गलत, असर्शन इज राइट रीजन इज रॉन्ग, आप सभी का आंसर आ रहा होगा जी। अब देखिए 57 का सभी का आंसर क्या आ रहा है, सी जी, उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं 58 आपकी स्क्रीन पर। एड्रेनलिन हार्मोन है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म डिजीज है, ऑक्सीटोसिन है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। एड्रेनलिन क्या करता है जी, एक्सिलरेट हार्ट बीट, सभी को पता है सर जी ये एक्सिलरेट करता है हार्ट बीट को। ए का टू, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म ये क्या करता है, तो आप बताएंगे ये डीमिनरलाइजेशन करता है, याद रखिएगा डीमिनरलाइजेशन। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के लिए, हाइपोथायरॉइडिज्म मिक्सोडीमा के लिए, उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा मिक्सोडीमा, सी इज द राइट आंसर, और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफी अच्छा है। गिवेन बिलो आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इफेक्टर आर्गन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर जी, सेंसरी रिसेप्टर। तो सबसे पहले आपको याद आया, सबसे पहले सेंस कहां आएगा, सेंसरी रिसेप्टर पर आएगा। सेंसरी रिसेप्टर क्या करेगा, तो आप बताएंगे सर सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को देगा, मतलब पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, फिर ये क्या करेगा, ये इंटर न्यूरॉन को देगा, तीसरे नंबर पर ये आएगा, फिर ये क्या करेगा, ये मोटर न्यूरॉन को देगा, और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर न्यूरॉन को देगा। तो क्या हो जाएगा 54231, 54231 कहां है, 54231 बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, और उम्मीद करते हैं
याद कर लीजिएगा, मे बी आस्क्ड, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, इन आइडोथायरोनिन हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन की बात की जाए तो कौन सा है, तो आप बताएंगे। प्रोटीन हार्मोन की बात की जाए तो इंसुलिन नाम कहीं है, आप बताएंगे यस सर है इंसुलिन। स्टेरॉइड हार्मोन की बात की जाए तो आप बताएंगे स्टेरॉइड हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आते हैं, प्रोजेस्टेरोन आते हैं। आइडोथायरोनिन में आता है थायरॉइड, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आता है एपिनेफ्रिन। इस हिसाब से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न थे जो हम लोगों ने देखे, और ईएमआरएस के एग्जामिनेशन वाले जितने लोग हैं वो सभी लोग अपने सेंटर पर पहुंचे कम से कम आधा घंटे पहले, और एग्जामिनेशन में एक चीज को कवर जरूर करें, मतलब जो है वहां पर किसी तरीके की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से हैंडल करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो पेपर आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगा। धोखे से आसान से क्वेश्चन अगर आपसे गलत होंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं आपसे 8 बजे आपके बिहार पीजीटी जूलॉजी के पेपर के साथ। हम सभी लोग पेपर को एक नजर में देखते हैं कि किस तरह से आया है और उसका आंसर्स क्या हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट पर हम सभी लोग बात करते हैं, बस 8 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।